आपके क्यूबॉइड और क्यूब का सर्पस एरिया है और वॉल्यूम है, बिल्कुल इजी है। आप फॉर्मूले याद नहीं करना है, केवल समझने। पहले तो है आपके क्यूबॉइड कैसा होता है, जैसे मान लो रूम है या फिर कोई बॉक्स है या आप जैसे मान कोई भी ऐसी चीज जो जिसके क्या हो आपके 6 प्लस टोटली। इसमें देखो आपके लेंथ अलग की साइड की होती है, ब्रेथ अलग साइड होती है, ब्रेथ अलग साइड की, हाइट अलग साइड की। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन चीजें हैं, तीन में से एक भी साइड अगर 0.5 का भी फर्क है, कुछ भी छोटा सा भी फर्क है तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड कहलाएगा। और वही चीज अगर आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें एक जैसी है तो वो क्या कहलाता है, आपके क्यूब कहलाता है। अगर मान लो लेंथ आपके आपके 5.1 है, ये 5 है, ये 5 है, तो भी क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड कहलाएगा। और अगर इसमें आपके तीनों 5 है या तीनों 6 है या तीनों 9 है या तीनों 1000 कैसा कोई भी साइड हो, तीनों इक्वल है तो कहलाता है क्यूब। और तीनों में से कोई भी एक भी अलग आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। बॉक्स है या ईट समझ लो या आपकी बुक समझ लो, जो भी जिसके 6 प्लस होते हैं वो क्या कहते हैं, आपको क्यूबॉइड बोलते हैं। वही चीज में बस फर्क है आपके लेंथ ब्रेथ और हाइट का, इसमें होते हैं अलग अलग और उसमें होते हैं आपके एक ही। इसमें अलग अलग होने के कारण अलग अलग नाम भी होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसमें आपके अलग अलग नहीं होने के कारण नाम भी आपके एक जैसे होता है, तीनों बराबर है तो तीनों का नाम एक ही है जिसे बोलते हैं साइड। इसमें साइड देखो ध्यान दो, लेंथ को ब्रेथ को और हाइट को तीनों का एक ही नाम होता है, वो होता है आपके साइड। सबसे पहले सरफेस एरिया या लिटिल सरफेस एरिया की बात है, सरफेस एरिया तो मतलब सीएसए मतलब चारों दीवारों का, आप चाहो तो इसे आप क्या कह सकते हैं, ये आप इसकी जगह आप एरिया ऑफ फोर वॉल भी लगा सकते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल। मतलब चार दीवार होती है इसलिए एरिया फोर वॉल, वो सीएसए होता है आपके किसमें, वो होता है सिलेंडर में, सिलेंडर में कह सकते हो या आप क्या कह सकते हेमिस्फीयर में कह सकते हो या स्फीयर में कह सकते हो, वहां पे काम आएगा। रिलेटिव सरफेस एरिया है कह सकते हो और एरिया, ये रिलेटिव सरफेस एरिया आपके वहां भी काम है। जैसे मान लो ये है आपकी सिलेंडर या स्पेयर दे रखा है, तो ये वाला जो नाम है हम इसमें क्या बोलेंगे, हम इसको लिटिल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और साथ में इसको आप क्या कहते हैं, सीएसए भी बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया बोलो या लिटिल सरफेस, एक बात है। अब यहां पर इसमें चार दीवार होती है तो आप चार दीवार यानी कि एरिया फोर वॉल बोल सकते हो और लिटिल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। मतलब ये वाला जो नाम है हम सिलेंडर में भी काम में ले सकते हैं और इसमें भी काम में ले सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ फोर वॉल केवल क्यूब में और क्यूबॉइड में काम लेंगे और सीएसए में काम लेंगे जो आकृति चारों ओर से क्या हो, गोल हो। जैसे आप स्पेयर दे रखा है या वॉल्यूम दे रखा है, ये वाला नाम सबसे काम आएगा, मतलब चार ओर का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला क्या है, केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, दोनों के याद हो जाएंगे, वही आपके क्या नाम है, क्यूब में भी काम है इसमें सिलेंडर में भी काम आता है, वो एक ही फॉर्मूला है आपके पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ किसका, बेस का पैरामीटर इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है आपके। अब ये फॉर्मूला आपको कहां लगेगा, इसमें भी लगता है, इसमें लगता है, इसमें भी लगता है। अब देखो पैरामीटर ऑफ बेस बताओ, पैरामीटर बेस से बताओ, बेस घेरा ये कैसा होता है बताओ, आपके रेक्टेंगल, इसमें चारों ओर रेक्टेंगल रेक्टेंगल होते हैं और इसमें क्या होता है, चारों ओर क्या होता है आपके स्क्वायर होता है। देखो सबसे पहले पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर बेस का देखो पैरामीटर ऑफ इसका बेस कैसा है आपके रेक्टेंगल इनटू हाइट, बताओ पैरामीटर ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या है, याद करो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, टू कोस टक एल प्लस बी और हाइट के पीछे हाइट ही लगाएंगे, ये हो गया फॉर्मूला, टू कोस टक एल प्लस बी इनटू क्या आ जाएगा आपके हाइट। मतलब पैरामीटर एक फॉर्मूला याद रखेंगे और क्यूब का भी हो जाएगा, क्यूबॉइड का भी हो जाएगा और सिलेंडर का भी हो जाएगा, सिलेंडर में भी याद है आपके। अब यह क्यूब है तो यहाँ क्या है आपके बेस में क्या है, स्क्वायर है, हम क्या लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, फोर इनटू साइड, और इसमें मैंने भी बताया था लेंथ को ब्रेथ को हाइट को तीनों का एक ही नाम होता है, वो होता है साइड। तो हो गया फॉर्मूला कौन सा, फोर साइड स्क्वायर, या इधर भी स्क्वायर होता है, उधर भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर, चारों ओर क्या होता है, स्क्वायर होते हैं। एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, उसका भी दो साइड स्क्वायर, फिर तीन साइड स्क्वायर, फिर चार, तो ये हो जाएगा आपके फोर साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके लिटिल सरफेस एरिया, लिटिल सरफेस एरिया बोलो या एरिया फोर वॉल भी कह सकते हैं।
फिर है टीएसए, टोटल सर्कल एरिया। देखो हमने ये वाले फॉर्मूले से क्या ज्ञात किया, चार ओवर का एरिया फोर बॉल ज्ञात कर लिया या लेटर सर्कल एरिया ज्ञात कर लिया। अब दो दीवार बच गई आपको, कौन सी? एक तो है आपके ऊपर वाला, क्या कहते हैं, बॉटम है, और एक क्या है, एक तो बॉटम है ये वाला, और ये ऊपर वाला तो पद है आपके, छत होगी और ये तल दोनों, यानी कि देखो यहां भी रेक्टेंगल है और यहां पर भी क्या है आपके रेक्टेंगल, मतलब आपको दो एरिया जोड़ने हैं किसके, बेस के। देखो अगर आप टोटल सर्कल एरिया ज्ञात करना, क्या करेंगे हम, ये तो लेंगे लेंगे, कौन सा एरिया ऑफ फोर वॉल लेना है आपको, प्लस फोर वॉल तो हो गई, अब कितनी वॉल बाकी है आपके, दो वॉल और बाकी, एक तो है छत बाकी है, ये दोनों बाकी है दोनों, तो इसमें क्या करेंगे हम, दो बार जोड़ देंगे हम बेस, दो बार बेस का एरिया, मतलब एरिया ऑफ बेस, तो चार दीवार ये हो गई, दो दीवार और जोड़ देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा आपके, छह दीवार। कैसे देखो, एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला क्या है, टू पोस्टर लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ये तो है आपके एरिया फोर वॉल, प्लस मतलब चार दीवार हो गई टोटल के, ये आपके दो दीवारें और बची है, तो दो दीवारें कौन सी हो जाएगी आपके, टू इंटू, अब एरिया ऑफ बेस, बेस का रेक्टेंगल का, यहां रेक्टेंगल और यहां भी रेक्टेंगल, तो ये आ जाएगा आपके एल इंटू बी। अब दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो दो क्या आ गए आपके कॉमन, ये दो कॉमन ले लो, अब दो तो कॉमन आ गए, अब इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे भी गुणा करना, पहले ये पहले जाओ ये लिख दो, क्या दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, अब इन दोनों को गुणा कर, इन दोनों को गुणा करो, बी इंटू एच प्लस एच गुणा कर से एच इंटू एल, इन दोनों का से जोड़ दें, मतलब ये तो एरिया फोर वॉल, इसमें दो दीवारें और जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपके टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब इसमें वही एरिया ऑफ फोर वॉल अभी हमने फाइंड किया था, कितना आया था, फोर साइड स्क्वायर प्लस इसमें क्या जोड़ना है, टू इंटू एरिया ऑफ बेस, बताओ एरिया ऑफ बेस कितना दे रहा है, स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, फोर और टू कितना हो गया, सिक्स साइड स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। क्या है समझ में, कैसे याद करते हैं आप लोग, आप वहां बैठे बैठे भी रूम में बैठे बैठे आप फॉर्मूले बना सकते हो। अब है आपके वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के लिए एक ही फॉर्मूला, जैसे याद रहता था पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, या क्या लगेगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, या क्या लगेगा आपके एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस मतलब बेस का एरिया, अब बेस में है क्या, यहां पर रेक्टेंगल है, तो या क्या लगेगा आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, और इसमें क्या लगेगा आपके एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट, बताओ एरिया बैठे हुए फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी, एल इंटू बी है, और एच को एच ही बोलते हैं, अब यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, एक का ही साइड का हो गया, अब इसमें बताया था लेंथ ब्रेथ हाइट सब का एक ही नाम क्या बोलते हैं, साइड ही बोलते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, साइड क्यूब हो गया, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखेंगे दोनों हो जाएंगे। ये भी आप सिलेंडर के लिए भी होता है, एरिया ऑफ पल्स, देखो अगर सिलेंडर है ये वाला, तो बताओ यहाँ क्या है, सर्कल है, तो क्या आएगा एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, ये हो गया आपके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ क्या करना है, जैसे मान लो आपको ये याद करना है, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल मतलब टू पाई आर एच हो गया, वैसे आपके क्यों दो ही, ये दो ही लास्ट ईयर आपके, ये भी थे स्पेयर भी थे हेमिस्फीयर भी थे सारे थे, अब केवल आपके दो पॉइंट ही है, तो सूत्र ज्यादा है नहीं आपके, फॉर्मूले